कि कृषि विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार निजी महाविद्यालयों को फायदा पहुंचाने के इरादे से नीतियां बना रही है। सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों से निकले विद्यार्थियों के लिए सरकारी कृषि महाविद्यालयों के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। सरकार के उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने से छात्रों ने 3 दिन पहले ही भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है, जिससे कुछ छात्रों की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सर, हम लोग 11 जून से हड़ताल पर बैठे हैं और 4 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल करते हुए, इस मांग को लेकर कि कृषि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए और प्राइवेट छात्रों को कृषि महाविद्यालयों में प्रवेश ना दिया जाए। सर, 4 दिन से हमारे 3 सर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाकी 2 की हालत भी अभी नाजुक है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया है, ना उन्होंने कोई इसमें रुचि दिखाई है। तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मामले पर विचार करें, नहीं तो फिर हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा और उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। हमारी हड़ताल ये 11 तारीख से कंटिन्यू है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी मांग मध्य प्रदेश शासन से इतनी है कि जो निजी विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज जो एग्रीकल्चर में चल रहे हैं, उनको रोका जाए, उनके स्टूडेंट का यहाँ पे जो एडमिशन है उसको रोका जाए। इसके संदर्भ में हमारे 3 छात्र साथी भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। उनकी मांग सुनने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है और हमारी मांग को ना माना जाएगा तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जारी रहेगी। बात करते हैं इंदौर की, जहां पर ट्रैफिक सुरक्षा